हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस एंड लर्निंग वर्ल्ड। तो आप सब कैसे हैं? होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से हमारी मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड ऑल सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होता है। तो मैंने कुछ कुछ ड्रॉ कर लिया है आपके यूज़ के लिए। तो क्वेश्चन क्या है? वर्टिकल पोल हैज़ अ रेड मार्क एट सम हाइट। A stone is projected from a fixed point on the ground. When projected at an angle of 45 degree, it hits the pole orthogonally 1 meter above the mark. मतलब orthogonally मतलब ये maximum height है 45 degree angle पर, जो है red mark से 1 meter ऊपर। तो when projected with different speed at an angle of tan inverse 3/4, it hits the pole orthogonally 1.5 meter below the mark. मतलब ये भी maximum height है थीटा 2, दैट इज टैन इनवर्स 3/4 पर। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट हिट्स द मार्क ऑर्थोगोनली टू द पोल। तो पूछ रहे हैं स्पीड क्या होगी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट हिट्स द मार्क ऑर्थोगोनली टू द पोल। ठीक है, तो अब ये दोबारा हम देखते हैं वो पूछ क्या रहे हैं। फाइंड द स्पीड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सो दैट इट मार्क हिट्स द मार्क ऑर्थोगोनली। मतलब कितने एंगल से मैं फेंकूँ और कितनी स्पीड से फेंकूँ कि जो रेड मार्क था वो ही हमारा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट रहे। तो हमारे पास थीटा 1 थीटा 2 ऐसे दिया हुआ है और ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ये हमारा पोल है। तो उसके ऊपर हम चलते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है उसका फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है h है रेड मार्क की हाइट, तो h प्लस 1 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, थीटा 1 है बाय 2g। फिर अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, इसके बाद हमें रेंज का जो फॉर्मूला दिया हुआ है दैट इज़ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g एंड रेंज का फॉर्मूला है। बट हम मैक्सिमम हाइट को और कैसे लिख सकते हैं? मैक्सिमम हाइट को लिखने के लिए अब हमारे पास आता है राइट फ्रेंड्स कि जो साइन थीटा 1 है दैट इज़ 45 डिग्री है। तो यू स्क्वायर 45 की वैल्यू डालेंगे तो 1/√2 होता है, तो 2 इंटू 2g एच प्लस 1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है, राइट। और इसके बाद हम अगर रेंज के फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू 45 डाल देते हैं, दिस टर्म विल बी 90, तो 1 हो जाएगा एंड तो रेंज का क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 4g। तो आप यू स्क्वायर बाय जी, ध्यान से देखिए यू स्क्वायर बाय जी आएगा। तो आप ये देख सकते हैं यू स्क्वायर बाय 4g आपका h प्लस 1 आ रहा है, तो h प्लस 1 इज इक्वल टू रेंज बाय 4, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है h प्लस 1 इज इक्वल्स टू रेंज बाय 4, 4 इंटू h प्लस 1 इज इक्वल्स टू रेंज। मतलब ये मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है। तो ऐसी ही डेरिवेशन हम जो केस 2 है जिसमें थीटा 2 है, जिसमें टैन इनवर्स 3/4 है, उसकी वैल्यू मैं आपको बाद में लिखना सिखाऊंगी। तो उसकी हम वैल्यू है इस प्रकार लिख सकते हैं कि h माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ये यू 2 है, यू स्क्वायर साइन थीटा 2 और बाय 2g। फिर आता है नीचे h माइनस, ये साइन स्क्वायर है ध्यान रखिए, फिर h माइनस 1.5 मैंने इसी फॉर्म में दोबारा लिख दिया है, राइट। फिर उसके बाद आता है कि हम थीटा की वैल्यू कैसे निकालें। तो टैन इनवर्स 3/4 दिया हुआ है, तो दिस इज़ द पी एंड दिस इज़ द बी। तो एच हमें पता है ट्रिपलेट से 5 आएगा, राइट। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो एच है दैट इज़ 5, तो जो साइन थीटा होगा दैट विल बी साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 होगा। तो अगर हम इसके फॉर्मूला में अगर हम ये हाइट के फॉर्मूला में डालें तो क्या आएगा,
वो है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। तो साइन स्क्वेयर थीटा हमें पता है यहाँ क्या है, 9/25, और ये यू स्क्वेयर इंटू 2g इज इक्वल टू एच माइनस 1.5। ऐसे ही हम रेंज का निकाल सकते हैं हम सेम मेथड से, कि यू स्क्वेयर साइन 2θ/g। तो थीटा साइन 2θ, साइन 2θ होता है 2sin θ एंड cos θ, और यहाँ यू स्क्वेयर बाय जी। तो साइन थीटा तो पता है 3/5, और ये 4/5, ये 2 और ये जी और ये यू स्क्वेयर, तो ये भी हमारा निकल गया, दैट इज 12/24/25 यू स्क्वेयर बाय जी, दैट इज़ द रेंज। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये जो यू स्क्वेयर, ध्यान से देखिए कि अगर हम यू स्क्वेयर बाय 25 g की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, h माइनस 1.5 और डिवाइडेड बाय 4.5। तो यू स्क्वेयर बाय 25, अब इसको यहीं डाल देते हैं कि 24 इंटू 1/4.5 इंटू क्या h, तो यहाँ पे r की वैल्यू में आ गया ये, राइट फ्रेंड्स। तो अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और इसको अब ध्यान रखिए, जो यहाँ पे h है ना, दैट इज माइनस 1.5, h माइनस 1.5, क्योंकि ये नीचे वाले के लिए था। तो नेक्स्ट हमारे पास ये रेंज का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रेंज का ये फॉर्मूला बन क्या रहा है। तो 5.33 इंटू एच माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू आर, और पिछले वाला फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू एच प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर, राइट। तो ये आपके दो फॉर्मूलाज बन गए। अब लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, क्या आएगा। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एच इज इक्वल्स टू 9। और फ्रेंड्स, हमारे पास जो यहाँ पे रेंज आ रही है, दैट इज़ द 40। अब आप बताइए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें रेंज तो कॉन्स्टेंट ही रखी है, बट ये जो हाइट है हमारे पास एच आ रहा है, और ये भी सेम ही है। तो एक नया इक्वेशन अगर हम बनाएं कि रेंज इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन 2θ अपॉन जी, राइट। यही फॉर्मूला था रेंज का, दोबारा चेक कर लेते हैं, यू स्क्वेयर साइन 2θ अपॉन जी। तो इसमें हम रेंज की वैल्यू डालेंगे, है ना। तो इसमें रेंज की वैल्यू 40 थी, तो साइन 2θ को क्या लिखेंगे, 2sin θ और cos θ अपॉन जी। तो 2 से ये 20 कट हो जाएगा। देन आपके पास आता है हाइट की वैल्यू, हाइट की वैल्यू क्या रहेगी, 9 रहेगी, और उसका इक्वेशन में क्या आता है, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, राइट। तो अब हमारे पास बनता है 18 इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को, हाइट वाली इक्वेशन को रेंज वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन रहा है मेरे पास, टैन थीटा बन रहा है, इज इक्वल्स टू 18/20। तो इससे मेरा एंगल तो आ गया है, और अगर मैं इसी एंगल को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूँ, इसी एंगल को किसी भी इक्वेशन में, रेंज की इक्वेशन में, हाइट के इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो मेरा आंसर वेलोसिटी का या स्पीड का भी आ जाएगा। तो इसके आंसर थोड़े पॉइंट्स में आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं, तो इसका कंसेप्ट समझना ज़रूरी था, इसका आंसर निकालना पॉइंट्स में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस हेल्प्स यू, एंड इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।